हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमने 6.1 शुरू कर ली थी और उसके हमने 20 क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके अब हम सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखिए, लिखा है, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। कह रहे कि भाई, रवि नाम का लड़का है जो फर्स्ट टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स लाता है, तो कह रहा, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कह रहा कि ये थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लेकर आए, कम से कम मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आए कि उसके एटलीस्ट 60 मार्क्स एवरेज हो जाए। एवरेज कितना हो जाए? 60 मार्क्स। चलिए भाई, रवि गेट्स मार्क्स इन फर्स्ट यूटी यानी यूनिट टेस्ट, तो कितना बच्चों? 70 एंड एंड इन सेकंड यूनिट टेस्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट में 75। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अब हाँ अगला, लेट ही गेट मिनिमम मार्क्स इन यूटी, कितना बच्चों? एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी, फर्स्ट यूटी के मार्क्स, सेकंड यूटी के मार्क्स और थर्ड यूटी के मार्क्स। उसने कहा है कि इसका एवरेज, उसने कहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई तीनों टेस्ट का, तीनों यूनिट टेस्ट का एवरेज 60 होना चाहिए, एटलीस्ट 60। तो बच्चों, एटलीस्ट 60 का मतलब क्या है? कि कम से कम, कम से कम का मतलब क्या हुआ? कि 60 तो होगा कम से कम, और 60 से ज्यादा भी हो सकता है। जब भी बच्चों एटलीस्ट वर्ड ये आ जाए, मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास एटलीस्ट 5 रुपीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 रुपए तो होंगे ही, और 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 10, 15, 20, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपके पास एटमोस्ट 10 रुपए है, तो एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, मतलब कि अगर आपके पास एटमोस्ट 10 रुपए हैं, तो 10 भी हो सकते हैं लेकिन 11 नहीं हो सकते, 10 से पीछे 9, 10, 9, 8, 1, 0, 0 भी हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर एटलीस्ट की बात करते हैं तो ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, मतलब एटलीस्ट 60 चाहिए तो 60 से ज्यादा होगा, और एटलीस्ट बोल रहा है तो 60 के बराबर भी तो हो सकता है, कि 60 तो होना ही चाहिए और 60 से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 60 का मतलब है कि 60 भी हो सकता है और 60 से ज्यादा भी। तो फर्स्ट यूटी में 70, इसमें 75, इसमें एक्स अपॉन में 3, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, ऐड करेंगे 145 प्लस एक्स अपॉन 3, ये 3 इधर डिवाइड कर रहा, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, वन एटी प्लस का 145, वहां जाके माइनस, और ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 35। ये कितना आ गया आपका? 35। तो बच्चों, रवि को मिनिमम मिनिमम 35, एटलीस्ट 35 मार्क्स लेकर आने हैं या 35 से ज्यादा, ताकि वो 60 से ज्यादा अबव एवरेज ले आए। तो हम लेंगे, लिखेंगे, सो रवि शुड गेट 35 और अबव मार्क्स इन थर्ड यूटी, इन थर्ड यूटी। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आई बात? नोट कीजिए, नोट कीजिए, 6.1 खत्म करा रहा हूं। इसके बाद आता है 22 क्वेश्चन। इसमें भी यही लिखा है बच्चों, इसमें भी यही लिखा है कि बच्चों वही यूनिट टेस्ट है, ठीक है, एग्जाम एग्जाम है, जिसके मतलब एक एग्जाम और रह गया है, तो बताओ उस एग्जाम में कितने मार्क्स लाएं कि 90 मार्क्स एवरेज हो जाए। ठीक है, 90 मार्क्स एवरेज हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, 90 मार्क्स और मोर, यानी
इतने मार्क्स तो हो, 90 मार्क्स तो हो और 90 से ज्यादा भी हो जाए, और 5 टेस्ट लिए जिनमें से 4 के मार्क्स दिए हुए हैं, तो देख लो यही सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मान लो फर्स्ट यूटी में उसका आ गए भाई, फर्स्ट यूटी में नंबर है उसके 87, सेकंड यूटी में नंबर है उसके 92, थर्ड यूटी में है उसके 94, ठीक है, फोर्थ यूटी में है उसके कितने भाई, फोर्थ यूटी में 95। अब हमें ये लास्ट वाला जो पांचवा है उसमें मैंने एक्स मान लिया, तो इस वाले को सॉल्व कर दूंगा, बस बात खत्म, ठीक है। नोट तो आपने कर ही लिया भाई, ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने। तो भाई क्या है, फर्स्ट यूटी, सेकंड यूटी, थर्ड यूटी, फोर्थ यूटी और फिफ्थ यूटी। अब एवरेज निकालना है, तो भाई 5 है तो 5 से डिवाइड, और 90 होना चाहिए या 90 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई अब क्या है, फर्स्ट यूटी 87, सेकंड यूटी 92, थर्ड 94, फोर्थ 95, फिफ्थ में पता नहीं एक्स मान लो, और ये हो गया 5, 95। यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहां जाके मल्टीप्लाई, बाकी इनको ऐड कर दो, 999, 270, 270 और 90, तो कितना हो गया, 270 और 90, 360, चलो 360 हो गया, 4 और 6 और 5, 11, 11 में 3 का 8, तो मतलब 368 प्लस एक्स, और ये इधर डिवाइड कर रहा हूँ वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 368 प्लस एक्स और ये आएगा 450। ये प्लस की चीज बच्चों उधर चली जाएगी, 368, हाँ जी, 10 में से 8 गया 2, 14 में 6 गया 8, तो यानी 82 बच्चों, तो यानी उस जिस भी जो भी बच्चा है उसे 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितने किस चीज के लिए, 90 से अबव एवरेज के लिए, 90 या 90 से अबव एवरेज के लिए उसे 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 22, इसे भी नोट कर लो, वहां पे रवि वभी कुछ नहीं लिखा है, वो तो बस आप देख लेना। चलिए नोट हो गए, आज 6.1 तो खत्म करा दूंगा, हाँ जी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कह रहा है कि वो सारे पॉसिबल पेयर्स निकालो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ठीक है, दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए लेकिन उनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए। देख लो पहले ही बोल रहा है, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का पेयर होना चाहिए, ठीक, और वो भी कंसिक्यूटिव, बोथ आर विच आर स्मॉलर देन, और दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो बताओ कि भाई, और अगर और उनका सम जो होना चाहिए वो 11 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। लेट द ऑड नंबर इज, आपने एक्स मान लिया, ऑड नंबर क्या मान लिया, एक्स, एंड द कंसिक्यूटिव कंसिक्यूटिव ऑड नंबर इज। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई कंसिक्यूटिव नंबर पूछेगा ना, तो याद रखना हमेशा वो 2 ज्यादा होता है, कैसे, देखो 1 के बाद अगला ऑड नंबर है 3, 3 के बाद अगला 5, 5 के बाद 7, 9, 11, अब देख रहे हो हर बार 2 ज्यादा है, हर बार ऑड नंबर कितना ज्यादा है, हर बार ऑड नंबर 2 ज्यादा है। और अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, 2, 4, 6, 8, 10, देखो अब भी ये कितना ज्यादा है, 2, लेकिन कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार है, तो यानी अगर कोई आप नंबर कोई सा भी, चाहे ऑड चाहे इवन, कोई सा भी नंबर एक्स लेट करते हैं, तो उसी का कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, एक्स प्लस टू, क्या होगा, एक्स प्लस टू। अब इसने बोला है कि दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर ये 10 से छोटे होने चाहिए, लेकिन जब दोनों को ऐड करूं तो 11 से ज्यादा आना चाहिए,
ठीक है, मोर देन 11, 11 से ज्यादा आना चाहिए। तो ठीक है जी, एक्स प्लस एक्स 2x, प्लस का 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x 11 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 9, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, तो यानी 9/2। बच्चों 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 मतलब 4.5, यानी मुझे ऐसे नंबर का पेयर बनाना है जो 4.5 से बड़ा ऑड नंबर हो, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया है कि x, बट भाई जो नंबर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, और छोटे होने चाहिए 10 से, दोनों होने चाहिए छोटे किससे, 10 से। सो द पॉसिबल पेयर्स आर, सो द पॉसिबल पेयर्स आर। अब भाई अगर मैं बात करूं ऐसे ऑड नंबर की, ऐसे ऑड नंबर की जो 4.5 से बड़ा है, तो कौन है, 5, 7 और 9। अब देखो भाई 4.5 से तो बड़ा है लेकिन 10 से क्या है, छोटा। अब इसमें मेरे को ऐसे पेयर देखने हैं जो जिनका सम 11 से बड़ा हो, जिनका सम 11 से बड़ा हो। तो भाई 5 और 7, हाँ जी 11 से बड़ा है, हाँ जी 5 और 9, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है 5 और 9, हाँ जी। अब क्या बच गया, 7 और 9, बिल्कुल है जी, तो 7 और 9, तो ये आपका आंसर आ गया, कर लो बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अब क्या करें, तो यानी उसने आगे वही कुछ कर सकते हैं, तो भाई आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ठीक है, दोनों के दोनों ऑड नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, तो दोनों के दोनों ऑड नंबर क्या है भाई, 10 से छोटे हैं और इनका सम देखो 11 से ज्यादा है, ठीक है चलो कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 24, सेम यही है, बस ऑड की जगह इवन आ गया है, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 25 करवाऊंगा इसके बाद में। नोट कर लिया आपने, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोला गया है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। चलो बच्चों आप मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, मैं ये अपनी तरफ से एक ट्रायंगल मान लेता हूं, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी मान लिया, ठीक है। अब इसने बोला है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो आपको मान लीजिए सबसे छोटी साइड ये दिख रही है, तो ये हो गया एक्स, और कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 गुना है, तो मान लो लॉन्गेस्ट साइड ये है तो इस शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है, तो अगर शॉर्टेस्ट साइड है एक्स तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया 3x, क्यों, क्योंकि इसने खुद ही बोला अपनी मर्जी से। आगे बोल रहा है कि थर्ड साइड जो है, तीसरी साइड, वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड से, ठीक है, तो मतलब जो ये थर्ड साइड है ना वो सबसे बड़ी वाली साइड से 2 सेंटीमीटर क्या है, छोटी है, 2 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, छोटी है। अब कह रहा है कि अगर इनका पेरीमीटर पेरीमीटर एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है तो पॉसिबल, तो शॉर्टेस्ट साइड की पॉसिबिलिटी बताओ, तो ठीक है जी, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो क्या है बच्चों, एक्स सेंटीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट साइड, एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, हाँ जी ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 3x सेंटीमीटर। नाउ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या मान लेंगे हम, हाँ
हाँ जी, लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम, यही है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बच्चों 61 एटलीस्ट बोला है, तो उससे बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम x+3x+3x-2, ये बात आप अच्छे से जानते हो। माइनस का 2 आ जाके प्लस, 3 3 3 3 6 और 1 7, और 61 + 2 तो 7x 63, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड 9, तो x > 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यानी सबसे जो छोटी साइड होगी वो या तो 9 सेंटीमीटर होगी या 9 से बड़ी होगी, अगर पेरीमीटर कितना चाहिए 61 या उससे अबव, 61 या उससे अबव। नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, इसके बाद करा तो क्वेश्चन नंबर 26, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो मिटा दो बच्चों, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, कह रहा है अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। कह रहे कि भाई एक आदमी है जो एक 91 सेंटीमीटर की पीस ऑफ बोर्ड से 3 लेंथ काटना चाहता है। आगे द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अच्छा, वट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड साइड। ठीक है, हाँ जी शुरू करते हैं, जैसे जैसा बोला गया पहले वैसे शुरू करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, पहले मुझे तुम ये बताओ कि अगर एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है तो तुम इसमें से कितने सेंटीमीटर तक का बोर्ड काट सकते हो। भाई 3 पीस काटना है, 3 पीस ऐसे काटना है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना काट सकते हो। भाई मैं तो ये कह रहा हूं मैक्सिमम अगर की बात करूं ना, अगर मुझे एक ही पीस काटना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर काट सकता हूं भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम यही काट सकता हूं। क्यों, क्योंकि 91 सेंटीमीटर का अगर बोर्ड है और कट इसी में लगा रहे हो तो इसी के अंदर अंदर ही तो कट लगाओगे। ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता कि 92 सेंटीमीटर का कोई कट हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एटमोस्ट का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, लगभग लगभग एटमोस्ट का क्वेश्चन है। अब मैं इसके ऊपर काम शुरू करता हूं। तो मान लो इसमें बोला गया है कि 3 पीस काटे गए, एक छोटा है, एक मीडियम है और एक लार्जर है। तो बस भाई ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड, शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड, हाँ जी बोर्ड की सबसे छोटी लेंथ क्या मान रखी है इसने, एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर इतने का काट लिया इसने। अब आगे बोल रहा है सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, हाँ जी, एंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ऑफ बोर्ड, हाँ जी, तो सेकेंड पीस ऑफ बोर्ड क्या है, छोटे वाले से 3 सेंटीमीटर ज्यादा। आगे बोल रहा है एंड थर्ड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट एंड द लेंथ ऑफ थर्ड पीस ऑफ बोर्ड, ट्वाइस है भाई, छोटे वाले का ट्वाइस है। ठीक है, अच्छा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो तीनों बोर्ड काटूंगा तो 91 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही ना, तो बस क्या हुआ कि भाई
ये तीनों पीस, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस और थर्ड पीस, तीनों अगर काटे जाएं तो 91 सेंटीमीटर के अंदर अंदर कटेंगे या हद से हद 91 सेंटीमीटर के बराबर, इससे ज्यादा लेंथ का नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि जब 91 सेंटीमीटर का मैक्सिमम बोर्ड है तो उससे ज्यादा की लेंथ तो काट ही नहीं सकते, या तो उससे कम काट सकते हैं या तो उसके बिल्कुल बराबर काट सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा अब फर्स्ट पीस है एक्स, एक्स प्लस थ्री, 2x, और ये 91, 2 2 2, और ये 4, प्लस का 3 वहां जाके माइनस का 3, तो कितना आ गया 88, 2 2 x। तो ये है बच्चों, यानी आप शॉर्टेस्ट साइड, आप शॉर्टेस्ट साइड 22 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं काट सकते, मैक्सिमम से मैक्सिमम 22 सेंटीमीटर के अंदर, यानी छोटा, लेकिन किससे बड़ा ये भी तो देखना पड़ेगा। नाउ अब देखिए इस बात को समझना, ये फर्स्ट है। अब देखना, अब आगे कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। भाई पॉसिबल लेंथ निकालनी है शॉर्टेस्ट बोर्ड, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड साइड। हाँ जी, कह रहा है कि भाई जो थर्ड साइड है आपकी, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड साइड। लो जी, थर्ड पीस जो है वो लॉन्गर है, लॉन्गर है किससे? सेकेंड पीस से। लॉन्गर है किससे? सेकेंड पीस से, बड़ा है सेकेंड पीस से। ठीक है, एटलीस्ट, एटलीस्ट है तो बराबर भी होगा, लेकिन कितना बड़ा है? 5 सेंटीमीटर। तो वो 5 किस में ऐड करूंगा? छोटे वाले में। ठीक है, क्यों छोटे वाले में? क्योंकि मुझे ये तो पहले ही बड़ा है 5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट, एटलीस्ट अगर 5 सेंटीमीटर है तो दोनों के बीच में मैंने बराबर भी लगाया। तो थर्ड पीस कितना है? 2x, और सेकेंड पीस कितना मेरा? एक्स प्लस 3 प्लस 5। तो 2x, प्लस का एक्स इधर आके माइनस, 5 और 3 8, तो एक्स ये 8, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। तो यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से मैंने ये चेक किया कि भाई आपका सबसे छोटा जो पीस ऑफ बोर्ड है वो 8 सेंटीमीटर से बड़ा या उसके बराबर, और 22 सेंटीमीटर से छोटा या उसके बराबर, ये हो सकता है पॉसिबल लेंथ किसकी? भाई आपके सबसे शॉर्टेस्ट साइड की। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट साइड या तो 8 सेंटीमीटर से बड़ा और उसके बराबर होगा, या तो 22 सेंटीमीटर से छोटा और उसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट फटाफट नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स पॉइंट वन खत्म हो गया भाई। ठीक है, और इसके बाद अब आपका रहता है 6.2, 6.3 ग्राफ का ही क्वेश्चन है, तो वो बाद में करेंगे, पहले मिसलेनियस निकाल लो, मिसलेनियस कर लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सीधा आ जाओ बच्चों मिसलेनियस में, मिसलेनियस के एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाओ, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाओ। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई करना, और जो डाउट रहे मुझे बताना। तो जो एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए आपसे कह रहा है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, इसे कह रहा है जी इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करके फिर इसको इंटरवल में जो भी लिखना लिखना है तो ठीक है, अगर बोलता है इंटरवल में लिखने के तो लिखो, नहीं बोलता तो मत लिखो, और नंबर लाइन पे बोलता है नंबर लाइन पे दिखा दो। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तो आपका टारगेट पता है क्या है? आपका एक ही टारगेट बनता है। क्या टारगेट बनता है भाई?
कि आप इसे पूरी तरीके से एक्स को अलग करो। किसको अकेला करो? एक्स को अकेला करो। तो चलो भाई एक्स को अकेला कैसे कर सकता हूं, यहां पे सबसे पहले देखो फालतू कौन है, तीन, तो ये क्या था, तीन है माइनस का, तो अगर मैं इसमें प्लस का तीन कर दूं तो बात खत्म। तो लिखेंगे एडिंग थ्री, तो जब ऐड करेंगे तो याद रखना बच्चों सब में ऐड करना पड़ेगा, सब में ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन गया माइनस फाइव, ये बन गया फाइव क्योंकि थ्री से थ्री कट गया, और ये बन गया टेन। अब कैसे अकेला करें भाई, ये फाइव इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स के साथ, तो क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइडेड बाय फाइव। तो अब सबको फाइव से डिवाइड करो, अब सबको फाइव से डिवाइड करो, तो पांच से पांच कट गया एक, पांच से पांच कट गया, पांच से कट गया दो, तो माइनस वन एक्स और ये दो। तो इसने बोल दिया भाई कि एक्स जो होगा वो माइनस एक से बड़ा और उसके बराबर, लेकिन दो से क्या होगा, छोटा होगा, दो से क्या होगा, छोटा होगा। और अगर इसको इंटरवल में लिखने के लिए बोल दे तो माइनस वन टू इधर इक्वल भी है, तो ये वाला क्लोज्ड और यहां से ओपन, ठीक है। अब इसी तरह देखो एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17, माइनस पांच ग्रेटर देन इक्वल टू पांच माइनस तीन एक्स अपॉन में टू, ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू एट, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बताया एक्स अकेला करना है, तो एक्स अकेला करने के लिए पहला काम क्या करेंगे, सबको सबको टू से मल्टीप्लाई करो, सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय टू, तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई करो, इसको भी टू से मल्टीप्लाई करो, और इसको भी टू से मल्टीप्लाई, टू से टू कट गया तो माइनस का टेन, फाइव फाइव माइनस थ्री एक्स, एट टू जा सिक्सटीन, ठीक है। अब क्या करना भाई, अब ये फाइव जो है ये किसका है, प्लस का है, ये फाइव जो है बच्चों किसका है, प्लस का, इसको हटाना है। एक काम करो क्या करेंगे, सबको यानी सब में फाइव ऐड कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फाइव, तो सब में बच्चों फाइव माइनस कर दो, सब में फाइव माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का फिफ्टीन, फाइव से फाइव कट गया, माइनस का थ्री एक्स, और ये आ गया इलेवन, क्या आ गया इलेवन। हाँ जी अब बात आती है, अब बात आती है कि अब क्या करें, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, अब हम इसे डिवाइड कर देंगे माइनस थ्री से, डिवाइडेड बाय माइनस थ्री। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं इसको माइनस थ्री से डिवाइड जरूर कर रहा हूं, लेकिन यहां पर एक दिक्कत हो जाएगी, क्या, चलो पहले मैं आपकी ना दिक्कत क्या आएगी वो नहीं बताता हूं, पहले तो मैं आपको यही कंडीशन रख के दिखाता हूं। इसी कंडीशन में थ्री से काटा फाइव, माइनस से माइनस, थ्री से थ्री काटा एक्स, और ये बन गया माइनस का इलेवन बाय थ्री, ठीक है। अब माइनस का इलेवन बाय थ्री, माइनस का इलेवन बाय थ्री लगभग कितना होता है बच्चों, ये होता है लगभग टू पॉइंट समथिंग, ये क्या होता है टू पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो आप खुद देखो, आप खुद देखो कि अगर मैं यहां पर इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं, अगर मैं इसको यहां पर क्या कर रहा हूं बच्चों, कैंसिल आउट कर रहा हूं, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां माइनस थ्री था ना बच्चे, तो माइनस से माइनस कटेगा ये, तो आएगा फाइव। अच्छा अब आप जरा खुद सोचना, क्या ऐसी कंडीशन कभी भी पॉसिबल हो सकती है कि कोई नंबर, कोई नंबर पांच से बड़ा या उसके बराबर हो लेकिन उसके माइनस के नंबर से छोटा और बड़ा बराबर हो? खुद सोचो, क्या कभी कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो पांच से बड़ा हो लेकिन माइनस के नंबर से छोटा हो? मैं ऐसे बोलूं, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, चलो ऐसे लिख दूं, ऐसे, अब बताओ क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि नंबर कोई पांच से बड़ा हो लेकिन माइनस चार से छोटा हो? ये तो बिल्कुल कंडीशन गलत हो रही है। तो इसका मतलब हमने जो बच्चों यहां पे ये कंडीशन की, ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है, ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। तो याद रखना बच्चों कि जब भी डिवाइड का काम या मल्टीप्लाई का काम माइनस के नंबर से किया जाए, फिर से सुन लो, जब भी डिवाइड का काम या माइनस का काम, सॉरी डिवाइड का काम या मल्टीप्लाई का काम, डिवाइड का काम या मल्टीप्लाई का काम, डिवाइड का काम या मल्टीप्लाई का काम माइनस के नंबर से हो, तो बच्चों इसका पूरा का पूरा सिंबल चेंज हो जाता है, ध्यान रखना, पूरा का पूरा सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पांच एक्स
और ये माइनस 11/3, यानी माइनस के नंबर से बड़ा और प्लस के नंबर से छोटा। तो ये कंडीशन बिल्कुल क्या है बच्चों, ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल क्या है, ठीक है। और जब इंटरवल की बात आएगी तो पहले माइनस वाला नंबर लेंगे और फिर प्लस वाला नंबर लेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो नोट कर लो एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो आप लोग मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 से लेकर 6 तक ये सॉल्व करना, कहां तक, 1 से लेकर 6 तक। ये चलो 1-2 मैं करवा देता हूं, नोट कर लो इसे, नोट कर लो, कर लिया। बाकी क्वेश्चन नंबर 7, 9, 7, 8, 9, 10 ये सब मैं बाद में करवाऊंगा, यानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल चीजें सिखा रहा हूं, उसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना सिखाऊंगा पूरी तरीके से। अब जैसे मान लो पहला कर लोगे आप, दूसरा भी कर लोगे आप, तीसरा, चौथा, चलो फोर्थ कराता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ करा देता हूँ। फोर्थ कर लो, -15 3x-2 5 <= 0। हाँ जी, सबसे पहला काम 5 यहां डिवाइड कर रहा था, हटाओ इसको, मल्टीप्लाई बाय 5, तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 75, ये आ गया 3x-2, और 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे 3 हटाना है, तो डिवाइडेड बाय 3, तो -75 3, 3x-2/3, 0/3, तो ये कटेगा तो -25, 3 से 3 कट गया x-2, और 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अब x को अकेला करना है, एड, एडिंग 2, तो सब में ऐड कर दो भाई, तो सब में ऐड कर दो, और ये कितना जाएगा 2, तो बस ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब एक 5 और करा देता हूं, फिर खत्म कहानी आज की। -12 4-3x-5, ठीक है, <= 2। हां जी, क्या करें, पहले तो इसको ढंग से लिख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x/5 <= 2। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 4, तो भाई सब में से 4 को माइनस कर दो, तो 4 से 4 कटा, यहां पे यहां से आएगा -16, 3x/5, और भाई यहां से भी क्या होगा, 4 माइनस होगा, तो माइनस का 2। अब क्या करेंगे, सबको 5 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 कट गया -80, 3x-10। अब क्या करेंगे, सबको डिवाइडेड बाय 3, सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भाई जो कट रहा काटो, बाकी कुछ तो कट नहीं रहा, तो बनेगा -80/3x-10/3। ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर है, जो कट जाए ठीक, जो नहीं कटा कोई बात, ठीक है। और मैंने ये बात आपको पहले ही बता दिया है, साइन चेंज कब करना है, साइन चेंज तभी करना है जब डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी माइनस के नंबर से करें, डिवाइड या मल्टीप्लाई जब किसी माइनस के नंबर से करेंगे तब ही हम क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका बच्चों मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों खत्म करवा दिया, और जितना मुझे आज करवाना था वहां तक का टॉपिक हमने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ग्राफ भी करवाऊंगा, सॉरी ग्राफ तो अगर नहीं हो पाया तो इसके जितने वर्ड प्रॉब्लम है पहले वो खत्म कराऊंगा, फिर देन मैं आपको ग्राफ करवाऊंगा। तो ग्राफ तो ज्यादा नहीं, एक क्लास का ही है, एक क्लास में आपको पूरा का पूरा ग्राफ मैं खत्म करा दूंगा। अब ये चैप्टर लास्ट दो क्लासेस का रह गया है, इसके बाद 2 क्लास के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म, फिर हम 7 चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।